नमस्कार, न्यूज वन इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी को संसद भवन में श्रद्धांजलि अर्पित किया है। आज पराक्रम दिवस भी है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने एक समारोह को अंडमान और साथ ही निकोबार के 21 बड़े अनाम द्वीपों के नाम में परवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम रखा है। आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसकी जानकारी देते हुए पीएमओ ने बताया है कि पीएम मोदी ने क्या कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनाने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में सेंट्रल हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लुप्तार्थी बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा के दलों के नेता, सांसद, सदस्य, पूर्व सांसद और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे हैं। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हार के सिवान जिले के नबीगंज में जहरीले शराब पीने के कथित तौर पर 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 अन्य लोग इलाज जारी है। वहीं इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उपमंडल लोक शिकायत अधिकारी अभिषेक चंदन ने कहा है कि 7 लोगों का इलाज चल रहा है, मृत्यु के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम के बाद साफ हो पाएगा कि सिवान के जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ने बताया है कि हमें विभिन्न सूत्रों के ग्राम बीला में संदिग्ध हालत में कुछ लोगों के मृत होने की और साथ ही कुछ लोगों के बीमार होने की सूचना मिली थी। हमने टीम बनाकर वहां जांच पड़ताल की और इस दौरान रात बता दें 12:30 बजे तक 10 लोग आए हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु यहां आने के दौरान हो गई है। वहीं सिवान के जिला अधिकारी ने बताया है कि उनकी शव परीक्षण हो गई है और साथ ही 2 व्यक्ति की हालत गंभीर होने से उन्हें पटना रेफर किया गया है, मगर रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किसानों के मामले में गंभीरता दिखाते हुए किसानों के बारे में अवगत कराया है, साथ ही किसानों की समस्या दूर करने की नसीहत दी है। जयंत चौधरी ने अपने पत्र में किसानों को गन्ना का वर्तमान प्राय आधा सत्र बीतने के बाद भी गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं करने और बिना मूल्य जाने किसान गन्ना आपूर्ति के लिए मजबूर होकर घाटे में चल रहने की बात कही है, और साथ ही क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख करके वर्तमान सत्र के लिए किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यह मांग की है कि वर्तमान सत्र शुरू हुए आधे से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन किसानों को उनका लाभकारी मूल्य अभी तक नहीं दिया गया है। किसान औने पौने दामों में अपना गन्ना बेचने को विवश है, जबकि उसको पता होना चाहिए कि किसान को क्या मूल्य मिलेगा, लेकिन किसान को अब तक ये नहीं पता चल पाया कि वो किस मूल्य पर उसका गन्ना बिक रहा है। और राष्ट्रीय लोकदल किसानों को उनके गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए कटिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता 1,00,000 किसानों से संपर्क करके उनसे मुख्यमंत्री को पत्र भेजे जा रहे हैं। किसान डाकघरों पर लाइन लगाकर मुख्यमंत्री को पत्र भेज रहे हैं। इन्हीं मांगों के समर्थन में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने कहा है कि किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य शीघ्र दिया जाए, और जो किसान मांग कर रहे हैं कि उनको लाभकारी मूल्य मिले, 14 दिन में किसानों को भुगतान मिले, और 14 दिन में भुगतान ना होने पर उनको ब्याज भी मिले, तथा प्रदेश में आवारा पशुओं से भी किसानों को निजात मिले। इन मांगों के समर्थन में किसान संदेश अभियान चल रहा है, और इन्हीं मांगों के समर्थन में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तुरंत लाभकारी मूल्य देने की मांग की है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है।
हालांकि जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस बात की अवहेलना की है कि अब तक सत्र बीत चुका है आधे से ज्यादा और किसानों का गन्ना मूल अब तक तय नहीं हो पाया है, बिना गन्ना मूल रेट के किसान ले जाने के लिए मजबूर हैं। हालांकि जयंत चौधरी के इस पत्र से भाजपा क्या जवाब देगी ये तो समय बताएगा, लेकिन आरएलडी के अध्यक्ष ने पत्र को जिस तरीके से मुख्यमंत्री पर इस बात पर सहमति जताई है कि किसानों का शायद अब तक उत्थान नहीं हो पाया है, तो क्या यूपी में अब तक जयंत चौधरी के पत्र से ये बात मानी जाए कि किसानों को उनके मूल्य का रेट अब तक तय नहीं हो पाया है? क्या अगले सत्र तक इस बात की जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की बनेगी? लखनऊ से पवन के साथ दानिश्वर सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए। उन्नाव में दर्दनाक हादसा देखने को मिला है, जहां पर तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर कार से टकराने के बाद से सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंद दिया है। सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और इस दौरान सभी घायलों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल भेज दिया है, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं सड़क हादसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने सड़क हादसे में हुई जनहानि पर दुख प्रकट किया है। सीएम योगी ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने जिला प्रशासन से अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं, साथ ही घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। इसके साथ ही जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाकर राहत कार्य पर करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बीजेपी विधायक आशुतोष शुक्ला घटना के बाद जिला अस्पताल पहुंचे और विधायक ने बताया कि हमारे विधानसभा में 3 सदस्य हैं जिसकी मौत हो गई है। विधानसभा में नेशनल हाईवे पर सांकेतक बनवाने की मांग के साथ ही भारी गाड़ियों के ओवरलोडिंग को लेकर पुलिस प्रशासन और एआरटीओ पर गंभीर आरोप लगाया है। आज शाम को 7 बजे जो आजाद चौराहा है वहाँ पर एक दुखद और बहुत बड़ी घटना हो गई है, जिसमें एक ट्रॉला द्वारा एक कार को टक्कर मार दी गई। दोनों गाड़ियां जाकर के गड्ढे में गिर गए, जिससे कि 3 लोगों की जो कार सवार थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है, साथ में 3 व्यक्ति अन्य जो बाहर थे चौराहे पर खड़े थे उनकी भी इसमें मृत्यु हो गई है। इस प्रकार से कुल 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। सड़क दुर्घटना हुई है, उसमें मैं अभी छेद से आ रहा हूँ, जैसे कपड़े चेंज किए हमारी जानकारी में आया, मैं घरेलू कपड़े में रख के आया हूँ। उसमें प्रमुख रूप से हमारी विधानसभा की झउआ के 3 लोग हैं, वो हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, हमारे 20 साल से 22 साल से उनके पारिवारिक संबंध हैं। पप्पू तिवारी जी के चाचा हैं, भतीजे हैं, भाई हैं, 3 लोग एक परिवार के सुपासी के हैं। वही यूपी के फतेहपुर शिक्षण संस्था प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक ने एमएलसी प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन मांगा है। दरअसल झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए शिक्षण संस्था प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक मलयज शर्मा ने कहा है कि बीजेपी सरकार शिक्षकों के हित में लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। रविवार को लाल बहादुर शास्त्री बालिका इंटर कॉलेज पन्नी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश सह संयोजक ने कहा है कि वृत्त विहीन शिक्षकों के वेतन वितरण अधिनियम पर भी विचार चल रहा है और साथ ही सरकार और एडिट विद्यालयों के शिक्षकों को समय से वेतन मिल रहा है। शिक्षकों के हित में सिर्फ बीजेपी सरकार में ही सुरक्षित है। प्रत्याशी के पक्ष में अभी तक प्रयागराज, कौबांबी समेत कई जनपद में भ्रमण कर शिक्षक मतदाताओं से मिले और इसे सभी जगह भरपूर समर्थन मिल रहा है। फतेहपुर जनपद में भ्रमण के दौरान विद्यालय प्रबंधक शिक्षकों से मुलाकात कर प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन मांगा है और शिक्षकों की समस्या को भी सुनी है। इस मौके पर राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ प्रयागराज महानगर अध्यक्ष मूलचंद त्रिपाठी, कानपुर बुंदेलखंड शिक्षण संस्था प्रकोष्ठ के संयोजक ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, नमामि गंगे संयोजक शैलेन्द्र शरण संपल सहित तमाम लोग मौजूद रहे हैं। बुराई लिखते थे, उन्होंने एक आरोप लगाया था, हाँ एक उन्होंने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है और भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार झूठे आश्वासन और भरोसा देकर के वोट तो ले लिया, लेकिन जो बात कही उस पर कोई भी काम नहीं। अब उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो कहा है वो किया है। उन्होंने कहा अखंड भारत बनाएंगे तो कश्मीर की
में धारा 370 हम शिक्षकों की बात जो आप भारतीय जनता पार्टी का मैं एक व्यापक ले रहे हैं केवल शिक्षक शिक्षक पर चुनाव आप शिक्षक गुरु जी मैं आपसे केवल ये अनुरोध कर रहा हूँ आप शिक्षक का चुनाव मैंने एक सेंटेंस किया भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है तो मैं बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी बहुत व्यापक भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। मैं शिक्षक के परिपेक्ष में कह रहा हूँ, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात नहीं कर रहा हूँ कि मोदी जी ने पूरे विश्व में जो है झंडा गाड़ दिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देश का देश नहीं, उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के पीरनपुर में रहने वाले समाजसेवी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कुर्सी पर ट्रांसफार्मर होने के बाद भी जमे रहने का आरोप लगाते हुए इन मामले में जिलाधिकारी से शिकायत करने की बात कही है। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने का स्थानांतरण लेकिन उसके बावजूद भी जिले में भी बैठ कर रहे हैं। दिन रात होगा ही उगाही और उपभोक्ता सहित आम जनमानस परेशान है इसको लेकर। वही फतेहपुर जिले के समाजसेवी और बीजेपी प्रदेश महामंत्री अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ तबरेश वारसी उर्फ टिल्लू ने विद्युत अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि 6 महीने से अब नगर के कई लोग बिना लाइन का कनेक्शन लिए ही चोरी से विद्युत का दुरुपयोग कर सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं, जिसकी शिकायत जनरल जूनियर इंजीनियर और साथ ही लाइनमैन सहित विद्युत विभाग के बाबू अखिलेश से करने पर विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियरिंग सहित लाइनमैन मौके पर पहुंचे हैं। जांच पड़ताल की जा रही है और एक मोटी रकम लेकर वापस चले गए हैं और साथ ही कोई भी इस दौरान कार्रवाई नहीं की गई है। जिस मामले को लेकर शिकायत SDM से करते हुए जिलाधिकारी से किया गया है, DM ने निर्देश दिया है कि आबू नगर SDO के मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और मामले को सही पाया है, वही जिस पर उन्होंने जिला अधिकारी को रिपोर्ट पेश की है। मैं असल में एक समाज सेवी हूँ और प्रधानमंत्री कल्याण प्रचार प्रसार जागरूकता अभियान का प्रदेश महासचिव हूँ और संख्या प्रकोष्ठ का, जिसको लेकर के हम इस इधर पे हम जनता की समस्याओं से बहुत लेकर के हम बिजली विभाग में बहुत ज़्यादा गए, काम करना चाहा, सब कुछ करना चाहा, लेकिन मैंने जो यहाँ पे थे AC महोदय प्रेजेंट टाइम पे जो थे उन्होंने भ्रष्टाचार खूब जम के किया, जिसकी मैंने शिकायत यहाँ के जिलाधिकारी से भी की, डायरेक्टर AK प्रवाल से भी की और मैंने क्या नाम है मुख्यमंत्री 76 पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए 76 पे है लिटिल पैटर मेरी वो है उस पर उनका स्थानांतरण शासन ने तत्काल कर दिया, क्योंकि ये सरकार ऐसी है कि भ्रष्ट अगर किसी को देख ले तो वो फिर उसका ठिकाना नहीं रहता। ये शायद ऐसी साहब भूल गए थे कि ये मुख्यमंत्री की सरकार है, ईमानदार सरकार है, इसकी शायद उनको भनक नहीं थी, लेकिन आज भी वो रिलीफ क्यों नहीं हो रहा है। गंगाहा थाना के गांगुपार में एक युवक की शव मिलने के बाद बता दें कि वहां हरकम मस्तवा नजर आया है। वही गंगाहा थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कुछ दिनों बाद बता दें कि इस घटना में शामिल मुख्य आरोपी शशिकांत तिवारी को गंगाहा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, लेकिन घटना में शामिल 2 और आरोपी इंदल लोना और साथ ही धर्मेंद्र लोना फरार चल रहे हैं। आरोपी इंदल लोना चोरी के एक मुकदमे में गोला थाने का वंचित था। वही गंगाहा थाना क्षेत्र में भी यह हत्या के मुकदमे में फरार चल रहा था। वही ऊपर गोरखपुर पुलिस द्वारा बता दें कि 25,000 रुपये का इनामी घोषित भी किया गया है। विगत 2 सालों से ये आरोपी भारत में कई राज्यों में अपनी पहचान छिपाते हुए मजदूरी करता हुआ नजर आया। वही बता दें कि घटना में शामिल सभी तीनों आरोपी गोगाल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इसी बीच गोला थाना के मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त इंदल लोना को थाना क्षेत्र में एक गाँव से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज़ हो रही है। इसके गीत को लेकर विवाद के बाद बायकॉट की मांग की जा रही है। फिल्म रिलीज़ कर किसी तरह के विवाद से बचने के लिए गोरखपुर के सभी बता दें कि
मल्टीप्लेक्स के सिनेमा मालिकों ने इस सुरक्षा की मांग की है। साथ ही गोरखपुर में इस फिल्म में अभी 70% एडवांस बुकिंग हो चुकी है। वहीं शाहरुख के फैंस इस फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। सिनेमा संचालकों का कहना है कि जिस तरह से इस फिल्म को लेकर विवाद शुरू हुआ है उसे देखते हुए सिनेमा हॉल और दर्शकों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। वहीं दर्शकों का कहना है कि भले ही फिल्म को लेकर विवाद चल रहा हो लेकिन वे शाहरुख के फैन हैं और इस फिल्म को देखने के लिए उन्होंने एडवांस बुकिंग करा ली है। गोरखपुर में फिल्म को लेकर सिनेमा संचालकों और दर्शकों से बात की गई तो उन्होंने अपनी बातों को हमसे साझा किया है। और लोगों से जब बात भी होती है, क्वेरीज भी होती थी, जब हमने एडवांस ओपन किया उससे पहले भी लोग आ रहे थे कि साहब कब ओपनिंग हो रही है, कब आप एडवांस ओपन कर रहे हैं। और होते ही मैं बताऊं कि जब हमने एडवांस ओपन किया तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के अंदर हमारी 10 से 12% टिकट बिक चुकी थी। तो और जहां तक रहा कि ये विवाद से रिलेटेड, ऐसा कुछ अभी मुझे सुनने में तो नहीं आ रहा है रिस्पॉन्स को देख करके। फ्री हैं बट हाँ, जहन में डर तो एक रहता ही है, जिसके लिए हमने भी यहाँ के जो नज़दीकी पुलिस चौकी है उनसे रिक्वेस्ट भी किया है कि करीब करीब हमें 3-4 दिन की एक सुरक्षा व्यवस्था तो प्रोवाइड करवाई ही जाए ताकि एटलीस्ट माहौल तो वैसा नहीं है मगर डर की संभावना भी अगर किसी के मन में हो तो वो हम निकाल सकें। तो पुलिस प्रशासन से हमारी बात हुई है जो लोकल जो हैं। वहीं बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर लगातार विवाद चलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, कई जगहों पर इसके विवाद में लोग बायकॉट करने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गोरखपुर में बता दें कि सिनेमा हॉल में लोगों ने अब तक 70% बुकिंग करा चुके हैं इस फिल्म को लेकर। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं और इस फिल्म में भले विवाद चल रहा हो लेकिन हमें ये फिल्म देखनी है। और बता दें कि पुलिस सुरक्षा की गुहार लगाते हुए लोग भी नजर आए। साथ ही सिनेमा हॉल के जो संचालक है वो भी पुलिस से लगातार लोगों की सुरक्षा को लेकर कहते हुए नजर आए हैं, क्योंकि इस फिल्म को लेकर लगातार लोगों में एक अलग दहशत भी देखने को मिल रही है। क्योंकि जो फिल्म है शाहरुख खान की पठान, इसको लेकर लगातार विवाद चल रहा है। इस फिल्म में गाने को लेकर और भगवा रंग के कपड़े को लेकर दीपिका के, इसको लेकर लगातार विवाद चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर वहाँ के संचालक, सिनेमा हॉल के संचालक के साथ साथ लोगों में भी डर का माहौल है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए लोग काफ़ी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। और इस दौरान बता दें कि गोरखपुर के सिनेमा हॉल में अब तक 70% की बुकिंग हो चुकी है। वही अब खबर झांसी से है, जहां पर चावल से भरी पिकअप को उपजिलाधिकारी ने पकड़ने के साथ ही बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि आज अवैध चावल को लेकर कार्रवाई पर उपजिलाधिकारी मोड जितेंद्र सिंह बिरवाल ने बताया है कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि एक लोड पिकअप सरकारी चावल लेकर मध्य प्रदेश की ओर जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर उपजिलाधिकारी ने पिकअप को पीछा किया और मध्य प्रदेश से घुसने ही पहले लोड को पकड़ते हुए उसे पकड़ा गया है। उसके बाद लोड में सरकारी चावल को 55 बोरियां बरामद की गई है। वहीं प्रशासन द्वारा जांच कर कार्रवाई करने में लगा हुआ है। वहीं राशन के दलालों ने अब उप जिलाधिकारी से साफ चेतावनी देते हुए राशन की दलाली वहां किसी हाल में नहीं होने देने की बात कही है। गरीबों का हक मारने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन ये लगातार वहाँ के प्रशासन का कहना है। वहीं अब खबर बहराइच से है, जहां पर राजस्व कार्यों को मानसिक समीक्षा की है। और साथ ही शनिवार को देर शाम कलेक्टर सभागार में आयोजित बैठक में अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है और मिट्टी के अवैध खनन पर प्रभारी कार्रवाई करें इसकी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मिट्टी के अवैध खनन पर प्रभारी अंकुश के लिए व्यापक स्तर पर प्रस्ताव की कार्रवाई की जाए और इसके लिए ग्राम सदर के विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। और बहराइच का ये मामला, जहां पर लगाते बता दें कि खनन माफियाओं का लगातार आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जिसको लेकर वहां के लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि जो
वहाँ की मिट्टी है, वहाँ खनन होने के चक्कर में वहाँ काफ़ी गड्ढा हो गया है और साथ ही वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। जिलाधिकारी ने अवैध खनन को लेकर तमाम तरीके की बातें कही है और साथ ही उनका ये कहना है कि अवैध खनन को जल्द से जल्द रोका जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अवैध खनन को लेकर लोगों को परेशानी हो रही है और जिस तरीके से सरकार को लाखों का चूना लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर मिट्टी को लेकर अवैध खनन किया जा रहा है, वहां के लोग काफी परेशान हैं और साथ ही जिला अधिकारी भी अब इस मामले को लेकर संज्ञान लेते हुए नजर आए हैं। अवैध खनन को लेकर उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खनन माफियाओं में इसके बाद से हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है। लगातार बहराइच में अवैध खनन का मामला कई बार सामने आ चुका है और इसको लेकर वहां के लोग काफी परेशान थे, जिसके बाद से अब जिला अधिकारी इस मामले को लेकर संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।